व बरकातहू उम्मीद है आप ख़ैर वाफियत होंगे आज की क्लास में हमने जीम के कनेक्शन समझने हैं जीम स्टार्टिंग में कैसे आता है मिड में कैसे आता है और एंडिंग में कैसे आता है तो ये जब तीन चीज़ें हम सीख लेंगे तो जीम को हम किसी भी तरह से आयात के अंदर या फिर किसी कंपोजिशन के अंदर सेट कर सकेंगे तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग ध्यान से समझिएगा एक एक चीज़ को समझते हुए आगे चलिए इन बहुत कुछ आज हम सीखेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशंस के बारे में बात करते हैं जिम जब स्टार्टिंग में आए तो उसको किस तरह लिखते हैं सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं जिम की हमने डिफरेंट शेप्स पढ़ी थी डिफरेंट वेरिएशन थी इसकी शेप्स के अंदर तो आज स्टार्टिंग में भी तकरीबन वो सब शेप इस्तेमाल होती हैं देखिए जब स्टार्टिंग में हमने जिम लिखना हो तो ये पहला स्ट्रोक बनाया जाता है जो चार निकात का होता है इसके अगर हम यहाँ से मेजरमेंट्स करें तो ये चार नकात की बनती हैं इस तरह से मुकम्मल चार नकात अब जब इसको हम कनेक्शन में लिखेंगे इसका हम कनेक्शन बनाएंगे जब इसको स्टार्टिंग पार्ट में रखेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर हम अलिफ लिखना चाह रहे हैं तो इस टीम को जब हम लीव करेंगे तो ये इसका मिड पार्ट होगा ये ठीक है पहले पार्ट को जब हम लीव करते हैं तो ये इसका पहला पार्ट होता है हाफ से इसको लीव करेंगे और यहाँ के स्टॉप कर जाएंगे बिल्कुल बेस लाइन पर जहाँ से स्टार्ट किया था वहां जाके स्टॉप कर जाएंगे अब यहाँ अगर हम अलिफ बनाना चाहें अलिफ बना सकते हैं कोई और लेटर बनाना चाहें तो कोई और भी बना सकते हैं अगर अलिफ बनाना हो तो हल्का सा ऊपर आए आधे नुकते तक ये नोक होगी और फिर अब मकमल अलिफ की शेप बनेगी यहाँ जिम के साथ अलिफ इस तरह आएगा अब ये जो शेप है जिम की ये स्टार्टिंग शेप है ठीक है अब देखें जिम और तरह से भी आ सकता है स्टार्टिंग में जिस तरह से ये देखिए ये सब इंडिविजुअल शेप्स के हेड हैं ये भी इंडिविजुअल शेप है ये भी इंडिविजुअल शेप है अब इसमें भी ये चार निकाद का होगा ये वाला पार्ट वन टू थ्री एंड देन फोर चार निकाद का ये पार्ट होगा और यहाँ से स्ट्रेट लाइन लें तो पूरा एक नुकता नीचे आ जाता है ये ठीक है तो अब अगेन इसको भी लीव हम दो नक़ाद से करेंगे ये वाला पार्ट देखिए यहाँ से कलम रखी ये दोनों काल से इसको लीव किया हमने और ये चीज़ ठीक है ये देखें ये मिड था इसका और ये हमने इसको मिड से लीव कर दिया अब अगर यहाँ आगे बा बन रहा हो तो देखिए बा बना लेते हैं बाकी एंडिंग इस तरह की जाती है कि इसको मज़ीद बढ़ाया जाए तो यहाँ सर्कल बन जाता है और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं तो यहाँ पूरा एक नुकता आता है इसके अंदर एक नुकता आता है और बा खुद से जो हमने इंडिविजुअल शेप्स पढ़ी थी ये चार से पाँच नकात का होता है तो ये देखें यह भी स्टार्टिंग शेप है और इसकी जो कंपोजिशन है वो थोड़ी चेंज है ये सीधी है ये इस तरह है ठीक है अब देखें जिम की दरमियानी शकल की बात करते हैं मिड में जिम के साथ लिखा जाएगा अब देखिए कि अगर हम जिम के साथ फा का ज्वाइन करें यह फा है इसके साथ जीम को ज्वाइन करें तो पहले जीम बना लीजिए आसान तरीका बताने लगा जीम बनाई और ये इसमें फा की ज्वाइनिंग होगी अब अगर ये मैनी पोजीशन है या मिड पोजीशन है तो जिम के आगे भी कोई वर्ड होना चाहिए तो जिम के आगे हम कुछ भी लिख लेते हैं जैसे कि जिम के आगे हम दाल लिख लेते हैं स्वाद लिख लेते हैं कोई भी वर्ड तो देखिए इस तरह आप अगेन देखिए कि टोटल लेंथ में से हाफ में से मैंने इस स्ट्रोक को लेव किया अब यहां दाल लिखेंगे यहाँ एक नुकता आ गया यहाँ एक नुकता आ गया तो ये फा जीम और दाल अब यहां ये वाली जो शेप है ये मिड शेप है मिड पोजीशन है जिम की और भी एग्जांपल देखते हैं इसकी अगर बा को जिम से ज्वाइन करना हो जिम दरमानी शक्ल में इंडिविजुअली भी लिखा जा सकता है वो किस तरह से देखिए फॉर एग्जांपल अगर बा को जिम से ज्वाइन करें बा और देन जीम जीम की ये वाली शेप ही हमने पढ़ी थी ठीक है मेरा ख्याल है कि आप सबको याद होगा अब इसके आगे हम मीम बनाते हैं ये मीम की शेप बनी और यहाँ भी ये वाला जो जीम है ये चार नकाद का बनेगा वन टू थ्री एंड फोर फोर नकााद तक और इसकी ढहलान यहाँ तकरीबन एक से आधे नुक्ते की ये जो पार्ट है ये दो नकात में आएगा यहाँ एक नुक्ता आता है ये जो मीम वाला पार्ट है ये दो नकात में आएगा अब मीम को मुकम्मल कीजिए इस तरह से ये यह यहाँ से एक नुक्ता नीचे चले जाती है मीम और ये यह यहाँ से यहाँ तक की जो मोमेंट है ये चार से छः नकात चार नकात ज़रूरी हैं छः नकात तब लगाए जाते हैं जब आगे वक्फ़ा ज़्यादा हो तो हम इस मीम को थोड़ा लंबा कर लेते हैं ताकि जगह मुनासिब तौर पर मकमल हो जाए तो ये यह देखें यहाँ भी एक मिड पोजिशन है हमारी ये वाली एक मिड पोजिशन है तो एक एक और एग्जांपल देखते हैं मिड पोजिशन की फिर एंडिंग पोजीशंस पर बात करेंगे इंशाल्लाह मिड पोजिशन में हम जीम को आ, किसी कशिदा वर्ड के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह के ये बा है ठीक है इसके साथ आप जिम लिखेंगे जिम का मुकम्मल कीजिए और जीम के बाद कोई वर्ड क्योंकि इसकी मिड पोजिशन बनानी है तो इसको किसी के साथ ज्वाइन करेंगे तो हम आइन के साथ ज्वाइन करते हैं अब देखिए यहाँ एक नुकता रहेगा यहाँ एक नुकता रहेगा ये वाला जो पार्ट है ये ढाई से तीन नकात में आता है ठीक है ढाई से तीन नकात ये वाला पार्ट चार नकात में आएगा और बाकी ये पूरा एक नुकता नीचे क्योंकि ये ज़्यादा ढिलान में बनता है ज़्यादा नीचे उतरता है जब हम इसको लंबाई रुख में आगे किसी वर्ष से ज्वाइन करने हो तो जितने भी कनेक्शंस होंगे ना ये विशाम में सारे ही नीचे जाएंगे यहाँ से देखें तो तीन नकात आते हैं स्ट्रेट लाइन लगाएं तो यहाँ एक नुकता आता है ये वाला जो पार्ट है ये ढाई नकात में बनता है तो ये यहाँ अगेन आप देख सकते हैं जीम की ये वाली जो शेप है ये वाली ये अगेन एक मिड पोजिशन है अब बात करते हैं एंडिंग पार्ट्स की या एंडिंग पोजीशंस की एंडिंग में भी जीम बहुत वेरिएशन से आता है कुछ वेरिएशंस हम यहाँ पढ़ते हैं पहले एक बहुत खूबसूरत सी शेप है जिम के जिम के साथ उसके बारे में बात करते हैं उसमें एंडिंग पार्ट भी हमें समझ आ जाएगा देखिए ये तो स्टार्टिंग पार्ट हो गया अब एंडिंग पार्ट देखिए। जिम की एंडिंग शेप। चार नकात ये वाला पार्ट भी चार नकात में है और ये वाला पार्ट भी चार नकात में है यहाँ से स्ट्रेट लाइन लें, लें तो एक नुकता आता है ये जो अलिफ होता है एंडिंग पार्ट ये ये चार से छः नकात में बन जाता है ठीक है इधर भी एक नुक्ता आएगा इस जुल्फ को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं थोड़ा तो ये देखें यहाँ ये जो शेप है जिम की ये वाली ये वाली ये एक एंडिंग शेप है मजीद भरते हैं आगे और शेप्स देखते हैं एंडिंग पार्ट्स की अब यहां बा नून ता एंड देन जिम तो यहां अगेन ये एंडिंग पार्ट आ गया ठीक है इसको फिर से चार नकार में बनाना है इसकी जो टोटल शेप है इसको चेंज नहीं करना ठीक है ये पहला पार दो नकाद में आता है और ये वेरिएबल होता है लेकिन कम से कम इसके अंदर दो नकाद ज़रूर आने चाहिए आधा नकद तो दोनों साइड्स पर मज़ीद आगे बढ़ते हैं अब ये शेप देखिए बा के साथ चीम और फिर अगेन चीम बा, जीम, जीम। इसमें भी ये वाला जो पार्ट है ये चार नकात का आएगा और ढिलान भी एक नुक्ते की आएगी एक नुक्ता इधर एक नुक्ता इधर और ये बा इस तौर पर डेढ़ नुक्ते की होती है तो आप देखें कि यहाँ हमने मिड और एंडिंग पोजिशन दोनों पढ़ ली ये वाली मिड पोजिशन और ये वाली एंडिंग पोजिशन तो उम्मीद है कि आज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा जिम की स्टार्टिंग मिड और एंडिंग पोजीशंस का अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिस करें मुझे आप लोग फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर व्हाट्सएप पर अपनी जो प्रैक्टिस हैं वो भेज सकते हैं मैं इंशाल्लाह उनको देखा करूँगा चेक किया करूँगा अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह एंडिंग पार्ट्स देखेंगे क्योंकि दाल सिर्फ एंडिंग में आता है स्टार्टिंग में नहीं आता स्टार्टिंग में तो इंडिविजुअली आता है जो में वो हमेशा ही एंडिंग पर आता है तो फिर उनकी शेप्स पर बात करेंगे दार रहा सीन की शेय पर इनशा तो तब तक आप लोग दवाओं में याद रखिए रमज़ान की बरकतों से खूब फ़ायदा उठाइए साथ साथ खताती करते रहें ताकि अल्लाह पाक हमारे इस सीखने के अमल से भी हमें इन शाला सॉवाबतः करेंगे अल्लाम वरहुल्लि वरक